क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेसिमल्स. तो 2.9 × 3.5, तो 29 × 35 हम लोग करेंगे. 5 9 = 45, 5 रखे 4, 5 2 = 10 प्लस 4 = 14, 3 9 = 27, 7 रखे 2, 3 2 = 6 प्लस 2 = 8, ऐड करेंगे 5, 4 + 7 = 11, 1 रखे 1, 1 + 1 = 2 प्लस 8 = 10. तो 1015 है. पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी हमारे आंसर में पॉइंट के बाद दो डिजिट रहेंगे. तो हम लोग बैक से काउंट करें 1 2 डॉट, तो 10.15 आंसर है. सिमिलर 37 × 12.76. तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन सिक्स या 42, टू रख के 4, सेवन सेवन या 49 प्लस 4 = 53, 3 रख के 5, 7 2 = 14 प्लस 5 = 19, 9 रख के 1, 7 1 = 7, 7 1 = 7 प्लस 1 = 8, 3 6 = 18, 8 रख के 1, 3 7 = 21 प्लस 1 = 22, 2 रख के 2, 3 2 = 6 प्लस 2 = 8, 3 1 = 3, ऐड करेंगे 2, 3 + 8 = 11, 1 रख के 1, 9 + 1 = 10 प्लस 2 = 12, 2 रख के 1, 8 + 1 = 9 प्लस 8 = 17, 7 रख के 1, 3 + 1 = 4, तो 4 7 2 1 2. पॉइंट के बाद दो डिजिट है, बैक से काउंट पे 1 2 डॉट. ये नेक्स्ट है 0.84 × 8.8. तो हम लोग 88 × 84 कर लेते हैं. 4 8 = 32, 2 रख के 3, 4 8 = 32 प्लस 3 = 35, 8 8 = 64, 4 रख के 6, 8 8 = 64 प्लस 6 = 70, 2, 5 + 4 = 9, 3 + 0 = 3 = 7. तो ये हमारा 7392 हो जाएगा. पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मेन आंसर में पॉइंट के बाद तीन डिजिट होने चाहिए. तो बैक से काउंट करेंगे 1 2 3 डॉट, तो 7.392 आंसर होगा. इसका 2.56 × 11.09, तो 11.09 और 256 को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 6 9 = 54, 4 रख के 5, 6 × 0 = 6 प्लस 5 = 5, 6 1 = 6, 6 1 = 6, 5 9 = 45, 5 रख के 4, 5 × 0 = 0 प्लस 4 = 4, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 2 9 = 18, 8 रख के 1, 2 × 0 = 0 प्लस 1 = 1, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ऐड करेंगे 4, 5 + 5 = 10, 0 रख के 1, 6 + 1 = 7 प्लus 4 = 11 प्लस 8 = 19, 9 रख के 1, 6 + 1 = 7 प्लस 5 = 12 प्लस 1 = 13, 3 रख के 1, 5 + 1 = 6 प्लस 2 = 8, 2 8 3 9 0 4. पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो मेन आंसर में पॉइंट के बाद चार डिजिट होने चाहिए. तो बैक से काउंट करें 1 2 3 4 डॉट, तो ये उसका आंसर होगा. ये नेक्स्ट है, तो पहले हम लोग 12.4 मतलब इनमें से दो को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो विदाउट कंसीडरिंग डेसिमल पॉइंट पहले हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 124 × 157, 7 4 = 20, 8 रख के 2, 7 2 = 14 प्लस 2 = 16, तो 7 2 = 14 प्लस 2 = 16, 6 रख के 1, 7 1 = 7 प्लस 1 = 8, 5 4 = 20, 0 रख के 2, 5 2 = 10 प्लस 2 = 12, 2 रख के 1, 5 1 = 5 प्लस 1 = 6, 1 है, तो यहाँ पे 124 आएगा. एडजस्ट करके लिखेंगे 8 6 + 0 = 6, 8 + 2 = 10 प्लस 4 = 14, 4 रख के 1, 6 + 1 = 7 प्लस 2 = 9, तो ये आएगा 19468 × 132 करेंगे. 2 8 = 16, 6 रख के 1, 2 6 = 12 प्लस 1 = 13, 3 रख के 1, 2 8 = 16, 6 रख के 1, 2 6 = 12 प्लस 1 = 13, 3 रख के 1, 2 4 = 8 प्लस 1 = 9, 2 9 = 18, 8 रख के 1, 2 1 = 2 प्लस 1 = 3, 3 8 = 24, 4 रख के 2, 3 6 = 18 प्लस 2 = 20, 0 रख के 2,
थ्री फोर जा 12 प्लस 2 14 फोर रख के 1 थ्री नाइन जा 27 प्लस 1 28 एट रख के 2 थ्री वन जा 3 प्लस 2 5 तो यहाँ पर 1 है तो इस नंबर को हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे 1 9 4 6 8 ऐड करेंगे 6 3 प्लस 4 7 9 प्लस 8 17 7 रख के 1 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 प्लस 6 19 9 रख के 1 3 प्लस 1 4 प्लस 8 12 प्लस 4 16 6 रख के 1 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 5 रख के 1 1 प्लस 1 2 तो इसका आंसर होगा 2 5 6 9 7 7 6। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी मेन आंसर में पॉइंट के बाद तीन डिजिट हमारे रहेंगे। तो हम लोग बैक से काउंट करें 1 2 3 डॉट, तो इसका ये आंसर है। तो ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए।